एंड मेरा माशा से वन एटी टू स्कोर आया है ऑन टू हंड्रेड एंड मेरी कराची में थर्टी एथ मेरिट बनी है ठीक है ए लेवल्स में मेरे सारे ए स्टार्स थे फोर ए स्टार्स लेकिन काउंट थ्री होते हैं केमिस्ट्री बायोलॉजी फ़िजिक्स के एंड uh, तो अगर उसकी एक्वेलेंसी निकालें तो ऑलमोस्ट अराउंड एटी नाइन वो थी नाइन्टी uh, वन ये हो गया तो एग्रीगेट मेरा अराउंड नाइन्टी पॉइंट जीरो फोर फाइव बन रहा था ठीक है एंड मुझे इस डा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसिस में अब मैं मैं एम कर रहा हूँ आई एम डूंग एस फ्राम एट डाओ मेडिकल कॉलेज नाओ कमिंग टू द टेस्ट पैटर्न सो बेसिकली यू गाइज माइ बी अवेयर ऑफ द टेस्ट पैटर्न बाई नाओ के ए टी एम सी के यूज़ होते हैं बायोलॉजी के सिक्सटी केमिस्ट्री के फोर्टी फिजिक्स के ट्वेंटी इंग्लिश के एंड देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग पहले होती थी एट फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स हुए हैं देयर वॉज नेगेटिव मार्किंग बट नाओ नो नेगेटिव मार्किंग वेल टेस्ट पैटर्न में चेंजेस आए हैं जैसे अब टू हंड्रेड एम सी क्यूज होते हैं प्रीवियसली दे हंड्रेड एम सी क्यूज अब टाइम इज़ टू आवर्स इन थर्टी मिनट्स प्रीवियसली इट वॉज टू आवर्स ऑनली बट बेसिकली टू आवर्स उस वक्त हंड्रेड एम सी क्यूज के लिए होते थे अब टू हंड्रेड के लिए सिर्फ टू आवर्स इन थर्टी मिनट्स हैं लेकिन घबराना नहीं है इन्होंने उसी हिसाब से डिफिकल्टी लेवल भी एडजस्ट किया हुआ है बेसिकली ये जो एम सी क्यूज़ इन्होंने दिए हैं टू आवर्स थर्टी मिनट्स में करने के लिए दे आर डूएबल ठीक है काफ़ी टाइम बच जाता है इफ़ यू आर डूइंग दैम एट एन एडिक्यूट अमाउंट ऑफ स्पीड तो फिर इनशाला हो जाएगा आराम से ठीक है अच्छा सो बेसिकली लेट्स टॉक अबाउट अ बिट ऑफ द एम डी कैट सन एम डी कैट सिलेबस सो बेसिकली इसमें यह होता है कि सिलेबस क्या है सो द सिलेबस इज एक्चुअली देर इज़ नो स्पेसिफिक गिविन ऑन एनी वेबसाइट यू वॉन्ट फाइंड इट एनी बट वेल एज़ यू नो के एम डी कैट उसी प्रोविंस जिस भी किसी भी प्रोविंस में कंडक्ट किया जाता है उसी प्रोविंस के इंटर की बुक्स से आता है राइट सो यहाँ की इंटर की बुक सिंध की बुक्स हैं सिंध uh, बोर्ड की बुक्स हैं सो या द इंटायर सिंध बोर्ड बुक्स आर द सिलेबस सो यू नीड टू डू ईच एंड एवरी थिंग ओवर देअर बट इज़ इट पॉसिबल मतलब सब कुछ करना तो पॉसिबल नहीं है राइट एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं था ठीक है मैंने नाइन्टी वन परसेंट स्कोर किया है लेकिन मैंने भी कम्प्लीट पूरा कोर्स कम्प्लीट नहीं किया था लेकिन अच्छा खासा कर लिया था तभी 91 परसेंट आया है ठीक है सो नाउ आई एम गोना टेल यू व्हाट टू फोकस मोर इन दिस लेक्चर ओके सो बेसिकली आई टोल्ड यू अबाउट द पैटर्न 80 बायोलॉजी एंड 60 केमिस्ट्री 40 फिजिक्स ट्वेंटी इंग्लिश अच्छा व्हाट टू फोकस मोर ऑन ठीक है तो ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना है सो so सी ओके आई एम फर्स्ट टॉक अबाउट बायोलॉजी बिकॉज इसके सबसे ज़्यादा एम कर दिए हैं ए टी एम पहले ऐसा नहीं होता था पहले इक्वल एम आते थे लेकिन अब ए टी एम आते हैं ठीक है थर्डी 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 एम होते थे लेकिन अब बायोलॉजी के ज़्यादा आते हैं वेल well, ये एक किस्म की अच्छी बात है क्योंकि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स प्री मेड्स जो होते हैं उनको बायोलॉजी ज़्यादा आसान लगती है वन इज वदर सब्जेक्ट सो या फॉर देम इट्स अ गुड थिंग नाउ कमिंग टू द टॉपिक आउटलाइन सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू यूर लेयर के करना तो सब कुछ है ठीक है लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा पास पेपर्स में आपको मिलेंगी अच्छा बाय द वे एज फार एज द पास पेपर्स आर कंसर्न दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो पास पेपर्स आर अ की टू सक्सेस ठीक है दे आर मस्ट ओके सो बेसिकली फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बुक अगर आप देखें uh, ये रही ठीक है ये वाली बुक मैंने यूज़ की थी अपने टाइम में सिंध की सो so बेसिकली इसके अगर आप फोटी चैप्टर्स हैं अच्छा इन फोटी चैप्टर्स में आपको किंगडम्स भी मिलेंगे ठीक है किंगडम्स की प्रॉब्लम ये है कि वो बहुत ज़्यादा है राइट टू मैनी और एम तकरीबन कुछ दस से बारह तेरह एम आ ही जाते हैं पाँचों के पाँचों किंगडम से या थोड़े इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं लेकिन एवरेज ये देखा गया है पास पेपर्स में कि इतने आते हैं लेकिन लेट मी सरप्राइज यू जो अभी रिसेंट हुआ था पेपर किंगडम्स में से कोई एम नहीं आया था कुछ भी किंगडम्स का नहीं आया था ठीक है तो जिन बच्चों ने किंगडम्स में सारा टाइम लगा लिया था वो तो गए अगर उन्होंने बाकी का सब्जेक्ट नहीं किया था बाकी के कोर्सेज नहीं किए थे बाकी के सिलेबस सॉरी बाकी के चैप्टर्स नहीं किए थे सो फॉर देम दिस वाज रियल अ रियल ट्रबल सो बेसिकली करना ये है कि जो चैप्टर्स मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं जो मैंने पास पेपर्स मैंने देखें बहुत सारे पास पेपर्स किए थे अपने टाइम पर यानी पिछले साल ही डी यू एच एस जिस वक्त पेपर कंडक्ट करते थे डाव वो सारे पेपर्स पास पेपर से किए थे मैंने 2013, 14 फोटीन तकरीबन कुछ छः साल के पेपर्स वो थे फिर उसके बाद जो इंटीरियर सिंध के जो पास पेपर्स होते हैं मेडिकल कॉलेज के जो पहले अलग होते थे अब तो पूरे सिंध का एक ही पेपर बनता है ना लेकिन पहले अलग अलग पेपर्स बनते थे इंटीरियर सिंध के पेपर्स होते थे वो मैंने किए थे सारे फिर उसके बाद uh, लियारी मेडिकल कॉलेज है यहाँ कराची में उसके सारे किए थे उसके बाद मैंने के uh, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज इनके पास पेपर्स थे वो किए थे एंड या मेरे ख्याल से इन और हाँ एन के जो लेटेस्ट पेपर्स थे वो भी किए थे सो so, ट्वेंटी 18, 17, 18 के अब बेसिकली करना ये है अच्छा द वे ये अनीस हुसैन की एक बुक आती है बड़ी ज़बरदस्त पास पेपर्स की वो बस ले लें उसे ख़त्म कर लें इन ग्रेड अच्छा आ जाएगा ठीक है लेकिन ख़त्म करना काफ़ी नहीं होता वंस अच्छा पास पेपर्स करने का तरीक़ा एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है ठीक है बुक पढ़ना अलग है लेकिन पास पेपर्स अटैम्प्ट करना एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है ठीक है अब थोड़ा सा इंट्रो मैं अभी यहाँ दे देता हूँ पास पेपर्स के बारे में लेकिन इस पर एक पूरी अलग वीडियो बननी चाहिए ठीक है एंड आई ट्राई मेकिंग डिफरेंट वीडियो ऑन इट सो बेसिकली पास पेपर्स में ये करना होता है कि एक बार आपने पेपर अटैम्प्ट कर लिया ठीक है अभी इस वक्त आपकी जितनी भी प्रिपरेशन हो गई है ज़्यादा कम जितनी भी है डजेंट मैटर आप एक पूरा पेपर टाइम्ड अटैम्प्ट करें ठीक है बेसिकली आप उसको तो टाइम तो करें एंड ऑनेस्टली ऑनेस्टली एक पूरा पेपर अटैम्प्ट करें ठीक है बिल्कुल बुक नहीं ना खोलें कोई भी बुक ना खोलें कुछ भी ना करें सिर्फ पेपर अटैम्प्ट करें उस टाइम के लिमिट में और कोशिश करें कि उस टाइम लिमिट से पहले हो जाए और हो भी जाएगा ठीक है अच्छा फिर उसे अटैम्प्ट करने के बाद जहाँ जहाँ आप लैग कर रहे हैं ठीक है उसे आप अपने टीचर से डिस्कस करें अगर आपने अपनी आ, सही वाले आंसर्स मार्क कर लिए गलत वाले भी मार्क कर लिए काउंट भी कर लिए मार्क्स भी आ गए लेकिन अगर आपने वो जो गलतियाँ हुई हैं इफ़ यू डिडेंट नो वाई वाई द एम सी क्यूज गॉट रॉन्ग दैन द पर्पज ऑफ सॉल्विंग पास पेपर्स इज लॉस्ट ओके दर्स पर्पज इज टू टीच यू और दर्पज़ ऑफ पास पेपर्स इज सेल्फ असेसमेंट राइट इट्स बेसिकली द आइडिया बिहड is इज़ दैट यू शुड बी एबल टू नो what आर द एरियाज़ where यू आर लैगिंग ठीक है सो बेसिकली जिस जिस जगह पर आप लैग कर रहे हैं जहाँ जहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है उसे आपको टीचर्स से डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ठीक है अगर आपने वो टीचर्स से डिस्कस कर ली टीचर्स ने आपको आपकी गलतियाँ बता दी फिर उसके गलतियाँ गलतियों को आपने ठीक किया आपने अटैम्प्ट फिर अगली बार जो दूसरा पेपर आएगा उसमें आप होपफुली वो गलती नहीं करेंगे इस तरह से यू वुड अचीव द पर्पज़ ऑफ सॉल्विंग पास एफर्स ठीक है ये तो सिर्फ एक ट्रिक थी इस तरह से बहुत सारी ट्रिक्स हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है कौन से एम सी क्यूज़ पर ज़्यादा टाइम लगाना है कौन से सेक्शन पे ज़्यादा टाइम लगाना है वो सारा कुछ वो मैं एक अलग वीडियो में लग, रख दूँगा अभी सिर्फ एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिस पर ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए वो मैं बता देता हूँ आपको बेसिकली बायोलॉजी की मैं बात सबसे ज़्यादा करूँगा इसमें क्योंकि सबसे ज़्यादा एम सी क्यूज़ वहीं के आते हैं अच्छा सो so बेसिकली अगर आप फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की बात करें तो स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं ना सेल एनजा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये बाहिर तो बहुत आसान चैप्टर्स हैं लेकिन यहाँ से एम हर साल आपको मिलेगा ठीक है पांच छः एम तो इन तीनों को मिला के आ ही जाते हैं तो इन तीनों चैप्टर्स को तो मस्ट करना है बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है बहुत अच्छे से करना है इन तीनों के बाद हम नीचे आते हैं बा, बायो बायो अनर्जेट किंगडम्स को मैं फिलहाल हाथ नहीं लगा रहा ठीक है किंगडम्स को मैं इसे हाथ नहीं लगा रहा क्योंकि देखें किंगडम्स से एम तो उतने ही आएंगे जितने आने हैं और हो सकता है ना भी आए जैसे अभी इस साल हुआ है किंगडम से एक भी एम नहीं आया था ठीक है आई एम री स्ट्रेसिंग ऑन दिस अगेन एंड अगेन कोई एम नहीं आया था तो स्पेशली जो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं वो एक बात नोट कर लें कि देखो किंगडम्स में ज़्यादातर रट्टा है ठीक है याद करने की ज़्यादा चीज़ें एंड वी आर नॉट यूज टू रोड लर्निंग राइट तो हमें यह करना है कि किंगडम्स को आफ्टर वी आर डन विद द रेस्ट ऑफ द कोर्स फिर एंड में टैकल करना है ठीक है अगर टाइम बचा ठीक है क्योंकि अगर आप किंगडम्स को पहले लेकर बैठ जाएंगे हो सकता है कि आपका किंगडम्स बहुत ज़्यादा टाइम ले जाए और अगर बहुत ज़्यादा टाइम किंगडम्स आपका ले गया तो फिर आपके पास एंड में थोड़ा टाइम बचेगा एंड देन यू विल बी पैनिकिंग एंड फिर वो कुछ भी नहीं हो पाएगा और यूजलेस हो जाएगा ठीक है मैं अपना एक्सपीरियंस है आपको बता रहा हूँ तो ये गलती वैसे मैंने भी कर ली थी मैंने किंगडम्स पहले करना शुरू कर दिया था जिसकी वजह से मेरे अच्छे खासे कुछ मही एक डेढ़ महीना निकल गया था उसके बाद भी मेरे किंगडम्स ठीक से हुए नहीं थे अच्छा इंटर वालों के लिए ये अप्लाई नहीं होता इंटर वालों की अलग ही बात है उन्होंने बेसिकली फ़र्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये किंगडम्स पढ़े होते हैं तो उनके लिए ये मेरे बेसिकली फर्स्ट ईयर में, फर्स में पढ़े होते हैं लेकिन सेकेंड ईयर तक याद होते ही हैं तो उनके लिए ये ज़्यादा ईजी होता है कि किंगडम्स को पहले कर लें ठीक है तो अगर आप इंटर्स हैं तो या किंगडम्स को निपटा दें साथ ही साथ ठीक है लेकिन अगर उसमें भी आप इंटर के होने के बावजूद भी ज्यादा टाइम लग रहा है किंगडम्स पे तो फिर ना करें ठीक है एंड के एंड के लिए छोड़ें पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कर लें ना कमिंग टू द नेम्स ये फर्स्ट थ्री तो मैंने आपको बता दिए हैं आफ्टर दिस इट्स बायो एनर्जेटिक्स ओके सो दिस इज एक्चुअली अ चैप्टर विच वी ए लेवल स्टूडेंट्स डू वेरी नाइसली इन आर ए लेवल्स अच्छा लेकिन जिन्होंने ये ए लेवल्स में भी ढंग से नहीं पढ़ा होगा उनके लिए यहाँ भी ये मौत आएगी ठीक है सो बेसिकली बायोनर्जेटिक्स इफ यू आर फ्रॉम ए लेवल्स डू योर ए लेवल्स बायो अनर्जेटिक्स अच्छा ए लेवल्स में कहाँ है बेसिकली ए टू के स्टार्ट में चैप्टर होता है रेस्पिरेशन का फोटोसेंथिस का इस बायो एनर्जेटिक्स दैट चैप्टर इंटायरली ठीक है आफ्टर डूइंग दैट गिव गि रीड थ्रू टू दिंद एम डी कैट बुक्स ठीक है सिंध बुक्स को आप uh, अच्छे से रीड थ्रू दे दें तो इनशाला बेहतर हो जाएगा अच्छा एज़ फार एज़ द इंटर स्टूडेंट्स आर कंसर्न सो बेसिकली बायोनर्जेटिक्स इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो कि ज़्यादातर इंटर स्टूडेंट्स को लगता है सो so, इसकी ट्रिक ये है कि बेसिकली चैप्टर आपने एक बार रीड कर लिया इसमें जो चीज़ें याद करनी है वो कर लीं जो हैं उन्हें देख लिया अच्छे से उनको लिख लिया कहीं पर अब एक चार्ट पे बना के कहीं पर पेश कर लो ठीक है uh, एक घर पे ही कहीं पर कमरे में तो जब सुबह सवेरे उठो तो उसे देखो एक नज़र या कहीं आना जाना हो उसे उस पर नज़र पड़ती रहेगी वो एक याद हो जाएंगे ठीक है उसके अलावा बायो अनर्जेटिक्स का ये है कि इसके लिए आप रेड स्पॉट सॉल्व करें रेड स्पॉट रेड स्पॉट बेसिकली एवल्स के एम सी क्यूज ही होते हैं टॉपिकल ए एस के होते हैं बेसिकली जो कि ए लेवल्स वाले स्टूडेंट्स तो करके ही आते हैं लेकिन इंटर वालों के लिए ये ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है अपने बायो नर्जेटिक्स स्ट्रॉन्ग करने का ठीक है तो ये बायोनर्जेटिक्स रेड स्पॉट से करें ज़्यादा बेहतर होगा देन कमिंग टू द ह्यूमन बायोलॉजी बेसिकली ह्यूमन बायोलॉजी के जो जितने भी सिस्टम्स हैं वो तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं और वो एरेवर्स वालों के भी अच्छे होते हैं और इंटर वालों के भी अच्छे होते हैं दोनों के अच्छे होते हैं तो वो तो आपको लाजमी करने हैं और ह्यूमन बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा एम आते हैं अच्छा ह्यूमन बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं सो so, बेसिकली आपके पास न्यूट्रिशन आ गया ठीक है आपके पास गैसेस एक्सचेंज आ गया आपके पास ट्रांसपोर्ट आ गया आपके पास आ, अच्छा ठीक है हाँ ये तीन तो फिलहाल फर्स्ट ईयर में है कि न्यूट्रिशन गैसेस एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट वेरस इसके अलावा अगर आप सेकेंड हाँ ठीक है ट्रांसपोर्ट में भी फिर वहाँ पर वो दूसरे एनिमल्स का भी आ जाता है ट्रांसपोर्ट राइट सो so, उसे अगर आप पढ़ लें अच्छे से तो वो भी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि ट्रांसपोर्ट ह्यूमस का भी और एनिमल्स का भी इंपॉर्टेंट है मतलब इंसेक्ट्स का कॉकरोचेस का वगैरह वगैरह जो अंदर ही अंदर बीच बीच में आ रहे होते हैं ना सिंध एम डी कैट की बुक में वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से भी पेपर्स में काफ़ी हमसे क्यूज़ देखे हैं मैंने अच्छा गैसेस एक्सचेंज न्यूट्रिशन ये तो करना ही है लाजमी किंगडम्स का मैंने मना कर दिया अभी फिलहाल नहीं करना जब ये सारा कुछ हो जाए उसके बाद किंगडम्स में आना है ठीक है अच्छा किंगडम्स में भी एनिमेलिया और प्लांटी अपने अच्छे से पहले से किए हुए हैं तो कर लें जल्दी से निपटा दें नहीं किए हुए तो फिर टाइम ना लगाएं उन पर उनसे पहले आप वो बैक्टीरिया का जो है ना मोनरा वो पहला कर लें उसे करने के बाद क्योंकि बैक्टीरिया से काफी एमसीक्यूज़ क्यूज बन के आते हैं ऑल दो वो बहुत ईजी है लेकिन एम सी क्यूज आते हैं ठीक है ठीक है बैक्टीरिया के बाद अब हम आ जाते हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी पर सेकेंड ईयर बायोलॉजी में अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ग़ौर से सुनिएगा सेकेंड ईयर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जेनेटिक्स का पोर्शन है ये वाला और जेनेटिक्स ने अभी रिसेंट ईयर में जो 2019 में एम डी कैड हुआ था उसमें बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा जेनेटिक्स ही आई थी ठीक है ना किंगडम्स आए थे ना कोई और फजूल सा टॉपिक आया था कोई रट्टे वाला टॉपिक नहीं आया था सारी अच्छी बायो आई थी मतलब सारी समझने वाली बायो आई थी सो so, जेनेटिक्स तो ये आपने हर हाल में करना है और अगर आप रिसेंट ईयर के अलावा भी पिछले पेपर्स देखें तो सब में जेनेटिक्स के बहुत ज़्यादा एम भरे पड़े हैं तो जेनेटिक्स तो आपको मस्ट है कि करने जेनेटिक्स में कौन कौन से आ जाते हैं बेसिकली सेल साइकिल आ जाता है ठीक है आपने सेल साइकिल करना है अच्छे से आपने क्रोमोज़ोम एंड डीएनए करना है क्रोमोज़ोम डीएनए के बाद आपके पास uh, वेरिएशन एंड जीन्स का एक चैप्टर है सेकेंड ईयर बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी से बहुत एम से क्यूज आए थे आर डी एन ए टेक्नोजी प्लाज्मा ट्रांसफर एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत इंपॉर्टेंट थे उन सब को करना है आपने ठीक है फिर उसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी में होम्योस्टिस आ जाता है सपोर्ट मूवमेंट आ जाता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल आ जाता है ये ए लेवल वालों के भी अच्छे होते हैं और आ, इंटर वालों के भी अच्छे होते हैं और ये एस के एम सी की अच्छे खासे आते हैं ठीक है जितने पेपर्स मैंने जो इंटर के सॉल्व किए थे या दूसरे सॉल्व किए थे उनके उनमें ये तीनों चैप्टर्स अच्छे बेसिक इंटीरियर सिंह के में सॉरी इंटर के नहीं इंटीरियर सिंह के पासपेपर्स सॉल्व किए थे इंटीरियर सिंध में भी ये भरे पड़े हैं या फिर डी एच एस के अपने पेपर्स जो हैं उनमें भी ये भरे पड़े हैं लियारी मेडिकल के भी पेपर्स में भरे पड़े हैं ठीक तो है तो ये आपको करना है फिर एंड में बच गए एवोल्यूशन इको सिस्टम मेजर इको और मैन एंड एनवायरमेंट अच्छा इनमें क्या करना है इनमें बेसिकली जो एवोल्यूशन वाला चैप्टर है ना इसका एक आध एमसीक्यू आ जाता है हर बार इकोसिस्टम सिस्टम से भी एक आध एमसीक्यू हर बार आता है लेकिन इस बार इको सिस्टम से नहीं आया था जैसे जिसमें इको सिस्टम के नेम्स पूछते हैं न वो नेम्स वगैरह कुछ नहीं पूछा था इस बार एवोल्यूशन से वो जो थ्योरीज हैं ना लेमार्क्स थ्योरी या डारविनस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वो इम्पोर्टेंट है वो बहुत बार आज पूछ पूछ चुके हैं और इस बार भी उम्मीद है कि आएगी ठीक है फिर उसके बाद मेजर इकोसिस्टम्स तो नहीं करने ठीक है बस पढ़ लो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एक्सक्यूज <laughs> मी अच्छा और मैन एनवायरनमेंट भी ये ये वाले चैप्टर्स जो है ना ये बस इसको एक अच्छे से रीड दे दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अगर टाइम बचा तो याद कर लेना रट लेना अच्छे से टाइम नहीं बचा तो फिर कोई टेंशन नहीं है लेकिन जो चैप्टर्स आपने बहुत स्ट्रॉग करने हैं ना वो ह्यूमन बायोलॉजी के ठीक है ये वाले जो चैप्टर्स यहाँ लिस्टेड हैं इन्हों को करना है जब आप इन सब से कंप्लीट हो जाएं इन सब से फारिग हो जाएं तो फिर आप किंगडम्स पर आइएगा अगर आपने किंगडम्स अभी तक नहीं किए शुरू तो मत कीजिएगा ठीक है कर चुके हैं तो उन्हें निपटाएं फिर अगर ऑलमोस्ट सेवेंटी एटी परसेंट किंगडम्स हो चुके हैं निपटा दें फिर उन्हें ठीक है अच्छा किंगडम्स में भी फंगाई का जो चैप्टर है वो बहुत यूजलेस है ठीक है तो बस पढ़ के निकाल लीजिएगा ठीक है अच्छा बाय द वे सिंध एम डी कैट की बुक्स में जो आउटडेटेड फैक्ट्स हैं उन्हें आउटडेटेड ही रखिएगा उन्हें खुद से चेंज मत कीजिएगा ठीक है क्योंकि जो एन टी एस में पेपर आएगा उस पेपर में जो एम सी क्यू बन के आते हैं वो सारे सिंध एम डी कैट की बुक्स से बन के आते हैं समटाइम्स पूरी पूरी लाइन उठा के दे देते हैं ठीक है एक वर्ड हटा के पूरी लाइन दे देते हैं सो बेसिकली यू नीड टू रीड द बुक्स वेरी नाइसली प्लस यू हैव टू कीप द आउटडेटेड फैक्ट्स आउटडेटेड ओके डू नॉट करेक्ट दैम वेल आउटडेटेड इसलिए क्योंकि बुक्स आउटडेटेड हैं बट दैट डजन मैटर दैट डजन कंसर्न यू ऑल यू नीट टू डू इज यू नीट द गुड स्कोर राइट यू नीट द वन एटी वन और इवन मोर वन नाइनटी इवन परफेक्ट स्कोर कैन इज पॉसिबल बट फॉर देट यू जस्ट नीड टू लर्न द स्टफ एज इट इज अच्छा परफेक्ट स्कोर के लिए अगर आप एम कर रहे हैं ना तो फिर किंगडम्स भी अच्छे से करने हैं आपने ठीक है एंड ऑफ कोर्स पॉसिबल है आप मेहनत करें इंशाल्लाह हो भी जाएगा ठीक है सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोलॉजी नाउ कमिंग टू केमिस्ट्री सो बेसिकली केमिस्ट्री में ये है कि के, uh, अच्छा केमिस्ट्री में का सिलेबस काफ़ी सिंपल है केमिस्ट्री uh, में ये करना है कि uh, मैंने आपको पहले भी बताया कि केमिस्ट्री में सिक्सटी एम सी होते हैं सो बेसिकली फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कुछ ख़ास इतना जिस तरह बायोलॉजी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनके मैंने आपको बता दिया केमिस्ट्री वैसे ही काफ़ी वो है क्या कहते हैं काफ़ी शॉर्ट है केमिस्ट्री की जो बुक्स हैं काफ़ी छोटी हैं ठीक है थीके? मतलब उनके चैप्टर्स काफ़ी कम है कंपेयर टू बायोलॉजी तो इनमें तो ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है फर्स्ट ईयर में ये करना है आपने कि जो फर्स्ट ईयर की तो एटलीस्ट केमिस्ट्री की सारे के सारे चैप्टर्स करना है ठीक है और अच्छे से करने के, क्योंकि केमिस्ट्री में फर्स्ट ईयर से जितने भी चैप्टर्स सब हैं सबसे हमसे क्यों जाते हैं ठीक है तो उनमें से कोई भी स्किप करके कोई बेवकूफ़ी मत कीजिएगा ठीक है हाँ सेकेंड ईयर में अगर आप आएंगे सेकेंड ईयर तो सेकेंड ईयर में मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक को कहूँगा और लेकिन जो एस पी डी और एच एस पी डी ब्लॉक्स हैं जो हाइड्रोजन uh, है वो भी इंपॉर्टेंट है अच्छा वो इंपॉर्टेंट क्यों है बेसिकली यहां से भी हमसे क्यों जाते हैं इनऑर्गेनिक जो पूरी है पीयर ए क्लासिफिकेशन से भी आते हैं लेकिन ऑर्गेनिक आपकी अच्छी होनी चाहिए जितने भी रिएक्शन आपको आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए ठीक है सो आई गैस ये बायोलॉजी केमिस्ट्री का हो गया फिजिक्स के लिए हम आपसे अगली वीडियो में बात करेंगे थैंक यू सो मच